Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing good. And hope you are spending most of your time with your studies. तो अपना पेन और पेपर उठाइए एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड. थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो ये जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम टू डी क्लोज पैकिंग, यानी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. एक्चुअली आपको याद क्या रखना है, यही थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. आपको पता है टू डायमेंशनल एंड वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हमें थ्री डायमेंशनल समझ आए. अदरवाइज यू नो दैट वन डायमेंशनल क्रिस्टल तो नहीं होते हैं. अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल होता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का एक रॉक होगा या कुछ होगा, वो थ्री डी होता है. अब हमने डायरेक्टली थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम इसको विदाउट वन डी एंड टू डी से के बगैर नहीं समझ पाएंगे. हमारे पास टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल क्रिस्टल के साथ कोई काम नहीं होता है. वी हैव टू डील ओनली विद थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल. सो जो आज हम पढ़ेंगे, एक्चुअली वही चीज़ आपको याद रखनी है, उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है. उस पे यूजुअली क्वेश्चंस बोर्ड अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, दिस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग वॉज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन स्क्वायर टू डी, शाबाश. दूसरा क्या था? हेक्सागोनल टू डी. यानी हमने क्लासिफाई किया था टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को दो, इट्स अ टू टाइप ऑफ स्क्वायर टू डायमेंशनल एंड हेक्सागोनल टू डायमेंशनल. यहाँ से भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ से भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं. अब पहले हम देखेंगे स्क्वायर टू डी से क्या बनता है, फिर हेक्सागोनल टू डी से क्या बनेगा. तो वो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आपको याद रखने हैं, उनके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है. And you have to learn actually all their details. So start कर लेते हैं 3D closed packing from 2D square. तो 2D तक हम पहुँच गए थे, 2D is the two types. तो 2D square से हम start करते हैं. 2D square से क्या बन सकता है? तो ये एक 2D square closed packing का example, एक diagram आपके पास. This 2D arrangement, एक axis ये है और दूसरी axis ये है. तो आप जब चार पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाया है आप लोगों ने, तो एक स्क्वायर बना है जो आप पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं. तो ये मैंने 2D है. अब इसी 2D से 3D कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है द न्यू पॉइंट्स आर न्यू स्फीयर्स आर स्टैक्ड आर प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर. इसको फर्स्ट लेयर मान लीजिए आप, ठीक है. तो ये इस फर्स्ट लेयर पे अब एक और लेयर चढ़ानी, यानी ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल आएगा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल आएगा. तो इस तरह से ये थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगा. तो लेकिन इस स्क्वायर टू डी में क्या करते हैं, जो अब ये सेकंड लेयर, यानी इस लेयर पे ये जो यहाँ पे लेयर है, इस लेयर पे एक और लेयर चढ़ेगा. और ये किस तरह से चढ़ता है? एग्जैक्टली उस लेयर के पार्टिकल्स इस लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर पड़ते हैं. यहाँ पे एक पार्टिकल इसके ऊपर पड़ेगा, यहाँ इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर. तो हमें मिलता है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. अब देखिए ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है इसके ऊपर, एग्जैक्टली ये तीसरी लेयर है इसके ऊपर. तो इस तरह से हमारे पास एक 3D क्रिस्टल बन गया है. नाउ अब इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि 2D स्क्वायर में जो पहला लेयर है इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली उसके स्फीयर पहले लेयर के स्फीयर से एग्जैक्टली ऊपर होते हैं. वो इन गैप्स या वाइड्स में नहीं होते. ये देखो यहाँ पे गैप्स हैं, यहाँ पे वाइड्स हैं, इस लाइन में आप देखेंगे वाइड्स. दूसरे लेयर के पार्टिकल इन वाइड्स में नहीं होते हैं, बल्कि डायरेक्टली इन स्फीयर्स के ऊपर होते हैं. तो जब वो डायरेक्टली, मैंने कल बोला था, दूसरे लेयर के स्फीयर पहले लेयर के स्फीयर ऊपर के ऊपर जब डायरेक्टली आ जाएंगे, तो वो लेयर्स एक जैसी बन जाती है. अगर हम इस लेयर को ए कहेंगे, तो ये वाली लेयर भी ए है, ये वाली लेयर भी ए है, ये भी है. इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए ए ए अरेंजमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. इट सिंपली मीन्स the different layers are identical, the spheres of different layers coincide, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल. यानी अगर हम यहाँ से देखेंगे from this side, तो हमें सिर्फ एक layer दिखाई देगी, ये ऊपर वाली layer, क्योंकि नीचे वाले spheres exactly इनके नीचे आ जाते हैं, तो वो हमें नहीं दिखेंगे. तो जब spheres layers के exactly एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, हम कहते हैं these layers are आइडेंटिकल. तो उनका नाम भी आइडेंटिकल ही आएगा फिर. इसलिए हम इस स्ट्रक्चर, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ए ए ए अरेंजमेंट.
मैं रिपीट करता हूँ, टू डायमेंशनल से हम थ्री डायमेंशन बना रहे हैं, टू डायमेंशन वन डायमेंशन के साथ हमारा एक्चुअली काम कुछ नहीं है, बस हमें सीखना होता है कि थ्री डायमेंशन कैसे बनता है, क्योंकि हमारे हाथ में बस थ्री डायमेंशन क्रिस्टल्स आ जाते हैं। टू डायमेंशन या वन डायमेंशन, एक एटम की लाइन होती है, वन डायमेंशन वो तो आंख से दिखेगा ही नहीं। तो थ्री डायमेंशन यहाँ पे कैसे बनता है, टू डी स्क्वायर से जो पहली एक लेयर होती है ये वाली समझ लीजिए, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती है और इस तरह से चढ़ती है कि एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर से फिर आ जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ उसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इज दैट, अब इसकी यूनिट सेल कैसी होगी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछ लूंगा इसकी यूनिट सेल कैसी होगी, नीचे आप लोगों ने सपोज ए लेयर डाला था, इसमें चार स्फीयर्स थे, इसमें चार स्फीयर्स थे, हम इस नीचे वाली लेयर में सिर्फ चार ही डाल लेते हैं, दी शुड बी टचिंग टू ईच अदर, लेकिन मैंने यहाँ पे टच नहीं करवाया था कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब दूसरी लेयर के स्फीयर्स आप बिल्कुल इनके ऊपर चढ़ाते हो, ठीक है, तो यहाँ से जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाई है वहाँ से आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। द यूनिट सेल फॉर्मड इज सिंपली, ये देखिए क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल बन जाता है जिसके सिर्फ कार्नर्स पे पॉइंट्स होंगे, नीचे वाली लेयर में चार पॉइंट्स, अब इनके ऊपर और चार डाल दीजिए तो ये नीचे का एक स्क्वायर होगा, फिर जो ऊपर वाले आप इसमें चार डालेंगे पॉइंट्स उनको मिलाइए एंड दिस विल फॉर्म ए क्यूब। सॉरी यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं बना, लेकिन यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बन जाती है। तो यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, 2D स्क्वायर से जब 3D कॉन्फ़िगरेशन बनती है, 3D अरेंजमेंट बन जाता है, तो वो कैसा बन जाए, उसकी यूनिट सेल कैसी होती है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी होती है। और दूसरा चीज़ क्या है, अरेंजमेंट AA टाइप। आ जाइए अब हम देखेंगे कि जो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उससे हम थ्री डायमेंशन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लिखा है दूसरी हेडिंग के साथ, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D स्क्वायर से हमने देखा उसने क्या बनाया, उसने बनाया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, लेकिन प्रिमिटिव वाला, प्रिमिटिव यूनिट से क्यूबिक यानी जिसके सिर्फ कार्नर्स पे पॉइंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2D हेक्सागोनल जो है इससे हमें दो तरह की 3D अरेंजमेंट बनते हैं, कितने तरह के, दो, एक को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, जिसको हम ABAB अरेंजमेंट भी कहते हैं, और दूसरा हमें क्या मिलता है, दूसरे को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का ही दूसरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट नहीं है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो स्टार्ट कर लेते हैं 3D क्लोज पैकिंग 2D से, लेकिन इस वक्त कौन सा 2D है, हेक्सागोनल। कल हमने पढ़ा था 2D इज अ टू टाइप ऑफ स्क्वायर एंड हेक्सागोनल, तो इस वक्त हम हेक्सागोनल से बनाएंगे 3D, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास दो अरेंजमेंट अवेलेबल पॉसिबिलिटी हो जाती है, वो दोनों हम पढ़ेंगे। तो 3D स्ट्रक्चर दो तरह के बनते हैं 2D हेक्सागोनल से, एक का नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2D हेक्सागोनल, ये भी है 3D हेक्सागोनल। तो ये 2D हेक्सागोनल जो है ये मैंने बोला हम सिर्फ समझाने के लिए 2D का जो है क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं, अदरवाइज 2D क्रिस्टल्स के साथ हमारा कोई काम नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी ये 3D स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बनते हैं 2D से। ये मैंने ये डायग्राम देख लीजिए, दिस इज 2D, इसके सिर्फ दो एक्सीस से हमने पार्टिकल लगाए हैं, एक एक्सीस और दूसरी, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ से हम बनाएंगे 3D, तो कैसे बनाते हैं, पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द वाइडस ऑफ द फर्स्ट लेयर, इन द वाइडस ऑफ द फर्स्ट लेयर, इसमें जो वाइडस ये होती है जो खाली स्पेस होती है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सर यहाँ पे। अब दूसरी लेयर पहली लेयर के पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो कहाँ है, ये वाली है जो इसमें वाइडस पड़ी हुई है, ये वाली जो मैंने लाइन खींची है इसके सीध में जो वाइडस पड़ी है उन वाइडस के ऊपर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले सर्कल्स जो थोड़े फैंट दिख रहे हैं ये फर्स्ट लेयर के हैं,
और जो थोड़े सॉलिड जिनका कलर थोड़ा ज़्यादा है, ये सेकंड लेयर के हैं। तो टी और ओ को आप भूल जाइए, टी और ओ क्या चीज़ है ये आप बाद में बताएंगे। तो आप देखेंगे जो पहली वाली ये सर्कल नीचे वाली लेयर है, अब जो दूसरे वाले उस पर हम डालेंगे लेयर, इसके पार्टिकल्स पहले लेयर के वाइडेस्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखिए जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये स्पेस जो है यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ेगा, ये स्पेस जो है यहाँ पे दूसरा पार्टिकल पड़ेगा। अब दूसरे लेयर के पार्टिकल्स पहले लेयर के ऊपर एग्जैक्टली नहीं है, जब वो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है तो ये लेयर जो बनेगा दूसरा, ये वाला लेयर, ये पहले लेयर जैसा नहीं होगा, इसका नाम हम बी देंगे। दैट मीन्स अब पहला लेयर जो है ए, लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ पे पार्टिकल्स इन वाइडेस्ट में चढ़ेंगे, यहाँ पे चढ़ेगा, इसको हम देंगे बी। इसी को कहते हैं ए बी, ए बी अरेंजमेंट। होप यू अंडरस्टैंड इट। सेकंड लेयर के पार्टिकल्स पहली लेयर के वाइडेस्ट में, तो जब ये वाइडेस्ट में पड़ जाएंगे तो ये एग्जैक्टली इनके ऊपर नहीं आएंगे, तो ये पहले लेयर के जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है, इसलिए इस लेयर का नाम इस वक्त ए नहीं बल्कि बी दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ए बी, ए बी अरेंजमेंट। अब जो थर्ड लेयर होगी, नाउ थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली प्लेस्ड इन सच अ वे सो दैट इट कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट लेयर। यानी पहले हमने, अब हमने दूसरे लेयर के पार्टिकल इस वाइड के ऊपर डाल दिए, अब थर्ड लेयर चढ़ानी है, क्योंकि क्रिस्टल में जो है मिलियंस ऑफ लेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई। अब थर्ड लेयर एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद ए, तो इसका नाम ए ही आएगा, यानी सी नहीं आएगा, ये थर्ड लेयर डिफरेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको सिर्फ ए बी, ए बी कहते हैं। यानी जो थर्ड लेयर है इट इज एग्जैक्टली ए, फिर जो फोर्थ होगी वो सिंपली बी के ऊपर होगी, ए बी, ए बी अरेंजमेंट इसको कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यू कैन मैसेज मी। अब इसमें भी आपको वही चीज़ याद रखनी है जो आपने अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में याद रखी, वो क्या है कि यूनिट सेल कैसे बनेगी। इसमें जो यूनिट सेल बनती है दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिट सेल जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। दिस इज न्यू टास्क, दिस इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की यूनिट सेल है ये, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब भी नाम आएगा एचसीपी तो कभी ये नहीं समझना कि टू डायमेंशनल है, क्योंकि जब भी एचसीपी यूज किया जाता है वो थ्री डायमेंशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ टू डी जो था वो मैंने बार बार बोला है सिर्फ समझाने के लिए कि थ्री डी कैसे बन जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये कैसे बनता है। ये इसका ए लेयर है ये वाला, ठीक है। तो ये ए लेयर कहाँ से आएगा, वापस आ जाइए, ये ए लेयर यहाँ से आता है, ये हेक्सागन ये वाला यहाँ पे जो बना हुआ है, अब देखिए छह पार्टिकल्स को जोड़ा है और इन छह पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये लेयर ए है। अब बी लेयर के पार्टिकल्स कहाँ चढ़ेंगे, तीन पार्टिकल्स आएंगे इन गैप्स में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सारी की सारी छह गैप्स फिल नहीं हो जाएंगे। इस हेक्सागन के अंदर आपको सिक्स वाइड दिखती हैं, ये तीन और नीचे तीन, लेकिन तीन में से सिर्फ छह ऑक्यूपाई हो जाती है। फिर जो लास्ट पे थर्ड लेयर आएगी दैट विल बी एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर। तो यही चीज यहाँ पे होता है, ये छह पार्टिकल्स हैं पहली लेयर के, इनमें एक पार्टिकल पड़ा हुआ ये, यानी ये छह पार्टिकल्स एक दो यहाँ जैसे हेक्सागन बना हुआ, फिर इनके बीच में एक पार्टिकल है। मैं ये यूनिट सेल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एचसीपी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट नो व्हाट इज एचसीपी यूनिट सेल। ये छह पार्टिकल्स और इसके बीच में एक। अब दूसरी लेयर क्या है, बी लेयर ये वाली, ये तीन पार्टिकल्स है जो इनकी पहले पार्टिकल्स के पहली लेयर के वाइडस में आ जाती है। ये पहली लेयर है, इनके वाइडस में तीन पार्टिकल्स आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सॉरी, तो एक यहाँ पे, ठीक है। ये है वो तीन पार्टिकल्स, वन टू थ्री। अब बताइए थर्ड लेयर जो है इट इज एग्जैक्टली ए लेयर, यानी यही रिपीट हो जाएगा, यही यहाँ पे रिपीट हुआ है, ए बी ए, ये अब इसकी यूनिट सेल है। होप यू अंडरस्टैंड इट। हेक्सागोनल एच सी पी यूनिट सेल ड्रा कीजिए घर में और इसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि इस पे मोस्ट ऑफन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप क्लास ट्वेल्थ में इस एच सी पी
यूनिट सेल को समझेंगे अच्छी तरह से, ए लेयर, बी लेयर एंड सी। ए लेयर समझना बिल्कुल आसान है, बी भी मैंने समझा है, वो तीन वाइडस में होते हैं, फिर जो ए लेयर फिर आता है वो एग्जैक्टली इसका रिपीटेशन होता है। ना क्वेश्चन टू यू इज, आपने बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़ा, आपने प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा, आपने फेस सेंटर यूनिट सेल पढ़ा, इन सब में आप लोगों ने नंबर ऑफ पॉइंट्स पढ़े, कितने पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट सेल में, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन दिस यूनिट सेल। तो नोट डाउन कीजिए, हम इसको डिटरमाइन करेंगे कैसे। यहाँ पे छह पॉइंट्स, दीज आर एट सिक्स कॉर्नर्स, ऊपर छह पॉइंट, दीज आर एट सिक्स कॉर्नर्स, एवरी कॉर्नर पॉइंट जो है यहाँ पे हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल क्लोज पॉइंट में 12 कॉर्नर पॉइंट्स है, वहां पे कितने थे, 8 थे, यहाँ पे 12 है, वहां पे 8 कॉर्नर पॉइंट्स थे, और हर एक कॉर्नर कितनी यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता था, 8 यूनिट सेल्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज है, यहाँ पे हर एक कॉर्नर सिर्फ 6 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर हो जाता है, हर एक कॉर्नर सिर्फ 6 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर हो जाता है, समझिए कैसे। ये पहली लेयर है, ये वाली लेयर, ये कॉर्नर एक मान लीजिए, अब ये एक और यूनिट सेल के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी एक और यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ, कितनी यूनिट सेल होगी, 1, 2, 3, समझ लीजिए। ये वाली तीन जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, ये नीचे वाला फ्लोर है बिल्डिंग का, अब इसके ऊपर तीन और कमरे चढ़ेंगे तो वो हो जाएंगे 3 + 3 = 6। अब ये पॉइंट कितने के बीच में शेयर हुआ, 6 यूनिट सेल्स में, होप यू अंडरस्टैंड इट। अब बताइए, एक पॉइंट जब 6 यूनिट सेल्स में शेयर हुआ तो एक यूनिट सेल को कितना देगा, इट्स कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल विल बी 1/6। तो एक कॉर्नर पॉइंट, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, सारे के सारे 1/6, और ये वाले भी 1/6, तो 12 पॉइंट्स कितने देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6 एक पॉइंट का, लेकिन टोटल कितने होते हैं कॉर्नर्स, 12, 6 × 1 = 6 × 2 = 2 पॉइंट्स, 12 कॉर्नर्स के पे 12 पॉइंट्स है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को सिर्फ कितने पॉइंट्स है, 2। उसके बाद आ जाए 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3 सेकंड लेयर की, ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, और जो पॉइंट बॉडी के सेंटर में होता है वो एग्जैक्टली बराबर कंट्रीब्यूट करता है, दैट मीन्स बॉडी सेंटर में जो 3 है, दोज विल बी 3। फिर रहे और दो पॉइंट इस यूनिट सेल में, बताइए कौन कौन से हैं, अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन लिए हुए इस पर देख रहे हैं तो दो पॉइंट्स और ये हैं, एक इस वाले लेयर में और ये वाला, दीज आर फेस सेंटर, देयर आर टू फेस सेंटर पॉइंट्स, और हर एक फेस सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2, सो दो फेस सेंटर से 1/2 इज इक्वल टू 1, तो टोटल कितने बने, 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 6, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे कि टोटल पॉइंट्स जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल में होते हैं वो कितने होते हैं, 6 एटम्स, सबसे ज्यादा, दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि 6 पॉइंट्स आ जाते हैं एक यूनिट सेल में, अभी तक 6 किसी में नहीं आया था, फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 आए थे मैक्सिमम, होप यू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा रिपीटेशन में करूंगा ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनेगा कहाँ से, 2 डायमेंशन से ही बनेगा। अब 2 डायमेंशन तो दो तरह का है, एक तो स्क्वायर है और दूसरा हेक्सागोनल है, स्क्वायर भी बनाता है 3D और हेक्सागोनल भी बनाता है 3D। जब हम स्क्वायर से बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम कहते हैं, इसमें जो यूनिट सेल बनती है दैट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आपको कई बार हम इस पर एग्जाम्पल्स पे किए हैं, इस अरेंजमेंट को AA कहते हैं। अब दूसरे लेवल पे आ जाइए, अब 2D जो है 2D हेक्सागोनल से बनाएंगे 3D, तो 3D जब बनाते हैं तो दो बनते हैं हमारे पास, दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक हमने पढ़ा वो कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। आप ये वाला HCP याद रखेंगे, अब ये HCP आपको सिर्फ सीखने के लिए है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
लेकिन वहां पे लिखा होगा फिर टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और टू डी नहीं लिखा है देन इट मीन्स थ्री डी, क्योंकि हमारा काम हमेशा थ्री डी के साथ होता है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ए बी, ए बी वो मैंने समझा, ये ए लेयर है। अब जो बी लेयर इस पर चढ़ेगा इन गैप्स में चढ़ेगा, अब जो सी लेयर आएगा लास्ट यानी जो थर्ड लेयर आएगा वो एग्जैक्टली इनके ऊपर आ जाता है, इसलिए ए बी ए बी ए। इसमें वाइड्स दो तरह के बनते हैं, एक को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ओ एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स टी। ये वाइड्स हम आगे पढ़ेंगे, इस वक्त आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला इसमें क्या है, इसकी यूनिट सेल ड्रा करना सीखो, और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 12, इसमें हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये भी जानने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से। उसके बाद आ जाएंगे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मैंने बोला जो हेक्सागोनल 2D है वो हमें 3D देता है, लेकिन दो अरेंजमेंट्स, एक तो आपने देखा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरी पैकिंग इसकी क्या होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो प्रिमेटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, प्रिमेटिव क्यूबिक, तो वहाँ पे लिखा होगा प्रिमेटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग, लेकिन अगर प्रिमेटिव साथ नहीं है सिर्फ है क्यूबिक क्लोज पैकिंग देन इट मीन्स दिस वन जो हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो CCP जहाँ पे देखेंगे इट इज इक्वल टू FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपने पढ़ा है, तो लेकिन इस वक्त ये जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यहाँ पे मैंने लिखा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल से दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल, एक तो है HCP और दूसरा क्या है CCP, CCP का ही दूसरा नाम है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है इसमें। सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वाइड इज द फर्स्ट, वही बात जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में की है कि यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे। एंड थर्ड लेयर इज प्लेस्ड इन सच अ वे इट डज नॉट कोइंसाइड विद ईदर ऑफ द टू, बस ये चीज़ आप इसमें डिफरेंट है। अब जो थर्ड लेयर हेक्सागोनल में आती थी वो बिल्कुल इन पॉइंट्स पे आ जाती थी, लेकिन इसमें जो थर्ड लेयर आ जाती है ये वो हम इसको यहाँ पे ड्रा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मॉडल होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है थर्ड लेयर ना ए लेयर से मैच हो जाती है ना इस बी से जो यहाँ पे मौजूद थी, वो एग्जैक्टली इस तरह से आ जाती है कि ना इसके साथ मिलती है ना इसके साथ मिलती है, इसलिए हम कहते हैं ये होगी लेयर ए ये होगी बी, अब थर्ड को सी बोलते हैं। लेकिन अब जो फोर्थ लेयर आएगी, फोर्थ लेयर विल बी एग्जैक्टली ओवर ए लेयर, इसलिए हम ए बी सी डी नहीं कहते हैं, हम सिर्फ ए बी सी कहते हैं, क्योंकि फोर्थ लेयर इज सेम एज दैट ऑफ ए लेयर। तो इसमें भी आपको वही चीज़ याद रखनी है, यूनिट सेल क्या बनेगी, ये यूनिट सेल हम वी आर फैमिलियर विद दिस यूनिट सेल, इसमें यूनिट सेल जो बनती है इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड UC माइनस यूनिट सेल। इसमें ये बॉक्स जो है डॉटेड से बने, इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मैं समझाऊंगा ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक यूनिट सेल है क्यूबिक का, ठीक है। जो बीच में ये डैश वाली लाइन है इनको मत देखिए। अब इनके कार्नर्स पे कितने पॉइंट्स है, 8 कार्नर्स पे 8, फिर हर एक फेस पे आप एक एक देखेंगे, यहाँ एक फेस पे एक, यहाँ पे भी एक, इस फेस पे भी एक, इस फेस पे भी एक, इस फेस पे भी एक, और यहाँ पे भी, यानी वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो इस सारे टॉपिक में आप लोगों ने सिर्फ ये यूनिट सेल डिफरेंट पाया, होप यू अंडरस्टैंड इट। तो टू रिवाइज दिस ऑल, 3D क्लोज पैकिंग में आप लोग क्या याद रखेंगे, प्रिमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग याद रखेंगे ए बी अरेंजमेंट और इसका यूनिट सेल, फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसका दूसरा नाम FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसकी यूनिट सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी यूनिट सेल भी पढ़ चुके हैं लेकिन ये नई थी। इन तीन पे एक्सरसाइज कीजिए, इन तीन में प्रॉब्लम है मुझे बताइए, इन तीन, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझे इन यूनिट सेल्स का स्ट्रक्चर, इनमें पॉइंट्स कितने हैं, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स वगैरह, देन यू विल बी एट सी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या नॉट ऑन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना तो बोर्ड में भी आप नहीं कर पाएंगे कुछ। तो ये तीन चीज़ें कौन सी,
यानी थ्री डायमेंशन पे अब हम लास्ट पे सम अप करने जा रहे हैं कितने पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनी है प्रिमिटिव क्यूबिक। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसका यूनिट सेल और थर्ड वन सीसीपी और एफसीसी, ये दो बिल्कुल आसान, ये भी आसान है लेकिन ये नया है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, उस वक्त ये समझना मुश्किल था इसलिए हमने नहीं पढ़ा। इन तीन के क्या याद रखेंगे आप, नंबर ऑफ पॉइंट्स, फेस पे कितने, सेंटर में कितने, इसी तरह से कार्नर्स पे कितने, क्योंकि इस पे आपको फार्मूलेज वगैरह निकालने होते हैं। तो ये टॉपिक जो है इसको पढ़िए अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा।